जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों टीम 10 साल बाद आमने सामने होगी। टीम इंडिया में दो खिलाड़ी ऐसे भी शामिल है जो दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों में प्लेइंग 11 में शामिल थे। हालांकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने उस मैच में काफी शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी भिड़ंत साल 2012 में हुई थी। उस वक्त भारत की कमान धोनी जबकि इंग्लैंड की कप्तान स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथों में थी। आपको बता दें कि टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली उस मैच में हिस्सा थे। ये दोनों खिलाड़ी 10 साल बाद एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते दिखाई देंगे। यह मैच इन दोनों खिलाड़ियों के लिए काफी खास रहने वाला है। साल 2012 में खेले गए मैचों में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए थे। भारत के 171 रन का टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 80 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जबकि इंग्लैंड की टीम का यह T20 में अभी तक का सबसे छोटा स्कोर रहा था। इस मैच में रोहित शर्मा ने 33 गेंदों में 9 स्कोर बनाए थे, वहीं विराट कोहली ने 32 गेंदों में 40 रन बनाए थे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में अभी तक भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 2 जीत दर्ज किए हैं, वहीं इंग्लैंड की टीम ने एक बार ही बाजी मारी। अगर आप लोग क्रिकेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।